हाय एवरीवन, वेलकम टू मेरू किचन। आज मैं आप सभी को नॉर्थ इंडियन स्पेशल निमोना यानी मटर की दाल बनाने जा रही हूँ। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने 1/4 किलो मटर लिया है और दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने 1 टमाटर, 1 कांदा, 6 हरी मिर्ची, 10 से 15 लहसुन, थोड़ा हरी धनिया और 1 अदरक का टुकड़ा लिया है। तो इसे हम साइड में रख देंगे और एक मिक्सर का बर्तन ले और उसमें हम सारी मटर डाल देंगे और उसका हम पेस्ट बना लेंगे। और ध्यान दें, आपको उसमें पानी नहीं डालना है। अब आप देखें, जो हमारा मटर का पेस्ट है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए। अब आप कोई भी कढ़ाई गैस पर रखें और उसमें 1 टेबलस्पून राई का तेल डालें यानी मस्टर्ड ऑयल डालें। ऑयल गर्म होने पर आप उसमें मटर का जो पेस्ट है वो डाल दें और उसे आप अच्छे से चला लें और हम इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे। अब 2 मिनट बाद आप देखें, ये जो पेस्ट है वो थोड़ा मोटा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसे हम किनारों से चलाते रहेंगे और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आप 2 से 3 मिनट बाद देखें, ये अच्छे से थोड़ा भून चुका है। जैसे आप देख सकते हैं, ये पेस्ट ने पैन को पूरा अच्छे से किनारों से छोड़ दिया है। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और अब हम उस मिक्सर के बर्तन में जो हमने स्टार्टिंग में दिखाया था उन सब चीजों को हम बर्तन में डाल देंगे। और टमाटर को नहीं डालना है, ये चीज आप ध्यान में रखें। और फिर हम उसमें थोड़ा पानी डालकर उसे अच्छे से पीस लेंगे। ये देखिए, अब जो हमारा हरा मसाला है वो अच्छे से बनकर रेडी हो चुका है। तो उसी कढ़ाई में हम 4 बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे ऑयल गर्म होने पर हम उसमें चुटकी भर हिंग डाल देंगे। फिर हम उसमें 1 टेबलस्पून पचफोरन डाल देंगे और फिर उसमें 2 तेज पत्ता डाल देंगे। और फिर हमने जो हरा मसाला पीस कर लिया था उसे हम डाल देंगे और उसे हम अच्छे से चलाकर उसे ढककर रख देंगे लो फ्लेम पर कम से कम 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद आप देखें, जो हमारा हरा मसाला है वो थोड़ा मोटा हो जाएगा। तो इसमें हम 1/4 चम्मच हल्दी डालें और 1 टेबलस्पून नमक डाल देंगे और इसे हम अच्छे से चला लेंगे। फिर हम इसमें 1 टेबलस्पून गरम मसाला डालेंगे और 1 टमाटर बारीक कटा हुआ डाल देंगे और उसे हम मिक्स कर लेंगे। और उसे हम तब तक पकाएंगे जब तक हमारा मसाला तेल ना छोड़ने लगे। मसाला होने तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आप देखें, जो हमारा मसाला है वो तेल छोड़ने लगा है। तो इसमें हमने जो मटर भून कर रखा था पहले वो अब हम डाल देंगे और उसे हम अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे और उसे हम ढक कर रख देंगे कम से कम 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। 5 मिनट बाद आप उसमें 1 कप पानी डालें और उसे मिक्स करें अच्छे से। मिक्स होने के बाद
आप उसमें एक कप और पानी डालें और उसे आप अच्छे से चलाकर उबलने के लिए रख दें हाई फ्लेम पर। अब आप देखिए जो ये हमारा निमोना है वो उबलना स्टार्ट हो चुका है, तो इसे हम 5 मिनट के लिए और उबाल लेंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आप देखिए जो हमारा निमोना यानी मटर की दाल है वो बनकर रेडी हो चुकी है, तो इसे हम एक बोल में निकाल कर सर्व कर लेंगे। आई एम श्योर ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह और अच्छी अच्छी रेसिपी मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।